दोस्तों आज हम देखेंगे संदीप महेश्वरी की मोटिवेशनल स्पीच से रिलेटेड डीमोटिवेशनल स्पीच। जैसा कि आप जानते हैं संदीप महेश्वरी एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर एक यूट्यूबर अंकुर पाठक ने इसी से रिलेटेड संदीप महेश्वरी की वीडियो से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो ना हो तो एक उसके ऑपोजिट डीमोटिवेशनल वीडियो तैयार की है, जो कि एक यूनिक मुझे लग रही है। मैंने अभी तक देखनी है वीडियो, मुझे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड की है कि तुझे ये वीडियो देखनी चाहिए, अच्छी लगेगी और तुझे इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो साथ में देखी जाए और देखते हैं वीडियो कैसी है, अंकुर पाठक ने कैसे संदीप महेश्वरी को कॉपी किया है, इसकी मोटिवेशनल स्पीक को कैसे डीमोटिवेशनल स्पीच में कन्वर्ट किया है, ये अपने आप में एक यूनिकनेस रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि फ्यूचर में मेरी जितनी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं संदीप महेश्वरी जी की डीमोटिवेशनल वीडियो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बिल्कुल सेम टू सेम डिटो संदीप महेश्वरी को पिक रखी है ऑडियंस भी। ये कहानी है दो दोस्तों की, जो फलाने गांव रहते थे, जिनमें से एक बड़ा ही सिंसियर था और दूसरा मनमोजी। एक राहुल था तो दूसरा मूडी। उनके बचपन के साथ उनका स्कूल कॉलेज भी खत्म हो गया था। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर चला गया। ये कहानी उसके बारे में नहीं है, ये कहानी है दूसरे दोस्त की, जो एक जगह पड़ा रहता था, गीले बिस्तर पर सोता रहता था वो, कि मूतने कौन उठे। पेड़ के नीचे मुंह खोल कर सोता रहता था कि जब भी फल गिरे तो सीधा मुंह के अंदर गिरे। कभी कभी प्रमोद हलवाई की दुकान पर कूड़ेदान की जगह बैठ जाता था वो, के लोग कूड़ेदान समझकर बचा हुआ खाना उसके मुंह में सीधा डाल दे। अव्वल दर्जे का आलसी था वो, लोग उसे कोसते रहते थे कि पड़ा रहता है यहाँ, कुछ कर ले मनुष्य, लेकिन कोई भी बात ताना उसके कान तक नहीं पहुंचता था, क्योंकि वो कानों में एयरफोन लगाकर फनी वीडियोस देखता रहता था। ओ भाई साहब, बोले कि सही कर रखी है, मतलब कॉपी तो सही कर रखी है अभी संदीप महेश्वरी की तरह, ऑडियंस उसी की उठा रखी है संदीप महेश्वरी की। कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको, लोग उसके मुंह पर थूक जाते थे, लेकिन उसने आज तक कभी किसी को पलट का जवाब नहीं दिया। लेकिन एक दिन उसके फोन की बैटरी डेड हो गई, खत्म खत्म। तब उसे किसी ने बताया कि तेरा वो दोस्त जो शहर चला गया था, उसने मेहनत की और आज उसकी दो दो गर्लफ्रेंड है और तू यहाँ रंडवा बैठा हुआ है। ओ भाई साहब, हाई लेवल की मोटिवेटेड, हाई लेवल का मोटिवेशन दे रहे हैं भैया। तो अब तो कुत्ते भी तेरे मुंह नहीं लगते, लड़कियों की तो बात दूर। ऐसा क्या नहीं था जो उसने ना डुबाया हो, नाम से लेकर अपने बाप का एलएमएल सब कुछ डुबा चुका था वो, सब कुछ डुबा चुका था। लेकिन वो एक बात जो उसको रातों को सताने लगी थी, कानों में गूंजती थी उसके, कि उसका जो दोस्त शहर चला गया था, उसकी दो बंदियां हैं। उसने अपने दिमाग में एक लक्ष्य बनाया, वो उठा, उसने अपनी खटारा स्कूटी उठाई और चल दिया अपने लक्ष्य की ओर। गांव वालों की गंडिया पटकर चार हो गई थी, हैरान थे लोग कि ये उठ कैसे गया। और वो थोड़ी ही दूर चला, उसकी स्कूटी एक पुल पर बंद हो गई, बंद हो गई बिल्कुल डेड। लोग गाली देने लगे पीछे से, ओए हटाना, दिमाग खराब हो गया क्या, सामने से हट ऐसे ऐसे, क्या खड़ा हो गया यहाँ पे, फलाना फलाना। लेकिन वो घबराया नहीं, उसने स्कूटी साइड लगाई, खड़ा हुआ। लोग हाथ दिखा दिखा कर गालियां दे रहे थे, ये देखो ये कुला बड्डू, हो गया तेरा सफर है खत्म। लेकिन वो परेशान नहीं हुआ, वो भागा, जाकर किसको बुला के लाया, छोटू मिस्त्री को। उसने कहा भाई मिस्त्री कर कुछ जुगाड़, कर दे।
छोटू ने स्कूटी देखी, हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा मैं, हाथ जोड़ता हूँ, भेज दो इसे, फेंको। लेकिन वो घबराया नहीं, उसने लंबी सांस ली और एक सिगरेट जलाई, और जिससे उसने सिगरेट जलाई थी वही तिल्ली स्कूटी की टंकी में डाल दी और बोला गधे की गाड़ में जाए स्कूटी और कूद कर लग गया ग्रामीण सेवा के पीछे। और उसके बाद परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई, ग्रामीण सेवा वाले ने उसको कह दिया। ओ भाई भाई, बोले कि क्या, मतलब कि शॉट उठा रखे है, मतलब कि संदीप महेश्वरी की ओरिजिनल वीडियो में से शॉट उठा रखे है इसकी ऑडियंस के, बस अब रिएक्शन मतलब कि ओ भाई इसकी ऑडियंस की रिएक्शन देख। ओ रियली, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी चलेगी आगे, मतलब कि अभी मोटिवेशन करेगा ये मोटिवेटेड कि भैया इससे आगे नहीं जाऊंगा। उसने उसके एक चाटा लगाया और चल दिया, लटक गया बस के पीछे, बस से ऑटो, ऑटो से ही रिक्शा, लोग उसको अनस्टॉपेबल कहने लगे थे, अनस्टॉपेबल। ये नहीं रुकेगा, लटकते लटकाते वो पहुंच गया शहर, और शहर जाके वो क्या देखता है कि जिस दोस्त के बारे में बातें की जा रही थी कि उसकी दो दो गर्लफ्रेंड है, वो ऐश करता है, पब बार जाता है, दारुओं में नहाता है, वो उसके सामने था, सामने पीरागढ़ी पुल के नीचे चटाई तेल चटाई लगा के बैठा हुआ था, वो हैरान हो गया वो। फिर सडनली उसने सोचा कि ये काम तो वो कब से कर रहा है, उसने अपने टैलेंट को पहचाना और एक चटाई उसके बगल में बिछा दी। उसके दोस्त की सेवाएं रात 2 बजे तक चलती थी, उसने अपनी सेवाएं 24 घंटे कर दी। ओ भाई साहब, चौबीस घंटे देने लगा वो अपनी सेवाएं, और देखते ही देखते उसके कॉम्पिटिटर हवा हो गए, देखते और कुछ ही दिनों में वो ठेकेदार हो गया उस जगह का, 13 चटाइयां उसके अंडर बिछने लगी थी। उसके पास 1000 रीजन थे घर वापस लौटने के, कि मैं ग्रामीण सेवा के पीछे लटका हूं, मेरा हाथ छूट गया तो बस के टायर के नीचे आगे चटनी बन जाएगी मेरी, के बस का टीटी मुझसे टिकट ना मांग ले, ई रिक्शा वाला मुझसे पैसे ना मांग ले। ओ भाई सब ऑडियंस भी कैसे हैरानी होके देख रही है, ऑडियंस भी ओ भाई बोले कि एडिट सही कर रखी है बंदे ने। लेकिन वो एक रीजन कि मुझे रंडुआ नहीं मरना, नहीं मरूंगा मैं रंडुआ, और वो कर गया। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, अपनी अपनी पुलिया ढूंढ लो, कुछ कर जाओ, दिस इज द टाइम। लोग तुम्हें भी कहेंगे अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। ओ भाई साहब, ओ हो, अभी है आगे, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर कुछ मोटिवेशनल था। मोटिवेशनल? जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। ओ भाई साहब, इसके रिएक्शन संदीप महेश्वरी के जैसे थे भाई। ओ भाई साहब सही में, और सबसे बढ़िया बात तो इसकी एडिटिंग स्किल, मतलब कि जहाँ पे इसने मतलब कुछ इसने अपना कुछ स्टोरी में वो रखा है ना कि हाँ भी आगे क्या होगा सस्पेंस, और वहाँ पे मतलब कि इसने संदीप महेश्वरी की ओरिजिनल वीडियो में से जो निकाला ऑडियंस के शॉर्ट्स, जो लास्ट में था, मतलब जैसे संदीप महेश्वरी करता है लास्ट में
ऐसे मतलब कि बाएं फैला के, और मतलब कि थोड़ा स्लो मोशन में होता है वो, उस टाइम का माहौल स्लो मोशन में होता है, और भाई सब सेम टू सेम कर रखा, मतलब कि सही में यार, मतलब कि बंदे ने संदीप मिश्री की वीडियो को काफ़ी हद तक कॉपी किया है, उसकी मोटिवेशनल वीडियो की ऐसी तैसी कर दी है। आपको वीडियो कैसे लगी आप बताना, और मेरे रिएक्शन कैसे लगे इस वीडियो पे वो भी ज़रूर बताना, और वीडियो पे कमेंट कर देना कैसी लगी, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो चलते हैं किसी नई वीडियो की तलाश में, और मिलेंगे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।